हुंडई वालों ने हमारे साथ मोए मोए कर दिया। अपनी गाड़ी सारी कंप्लीट हो गई है, अब मजा आ रहा है स्टीयरिंग देख के। देख सकते हो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पूरा ही टॉप बनाएंगे। बट ये मुझे नहीं लगवाना किसी की खड़ी गाड़ी में ना, वीडियो देख के निकाल के ऐसे पंगे मत करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज ना अपनी गाड़ी का काफी सारा काम होगा, तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या काम होने वाला है। यार JBL के ना ये स्पीकर्स आते हैं, स्टेज वन स्टेज टू स्पीकर्स। अभी देखना निकू भैया इसको क्या बोलते हैं, उनसे पूछते हैं जाके क्या है। निकू भैया ये कौन से स्पीकर है? स्टेक वन JBL का। स्टेक वन क्या होता है? कोई एक्सेल स्पीकर आता है। JBL स्टेज वन। हाँ स्टेज वन। तो मैं तुम्हें आके जान करके ये चीजें बताती हूँ ताकि तुम सही बोलो। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो आप। उसमें लिखा हुआ है स्टेज वन, फिर तुम स्टेक वन क्यों बोलते हो? बोलते बोलते आदत सपरा हुआ है ना। अब स्टेज वन स्टेज टू बोलना ना कि स्टेज वन स्टेज टू बोलना, स्टेज थ्री भी बोलना, ठीक है। अपनी गाड़ी में ना काफी सारी लाइट्स हो चुकी है। यहाँ पे एक लाइट इंस्टॉल हो गई है, इसके साथ साथ सेंटर में यहाँ लाइट आती है जिसमें हमने LED लाइट चेंज करवा लिया, मतलब बल्ब चेंज करवा लिया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा टॉप मॉडल में यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी लग के आती है, तो हम वो भी लगवा रहे हैं और दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देख लो, ये देख सकते हो ये Hyundai Genuine है और ये पूरी ऐसे की ऐसे इंस्टॉल हो जाती है। और ये जो है ना ये कंपनी से ही LED आती है। यार वाइपर के काम की बात करूँ तो वाइपर में ना वैसे मोस्टली काम कम्प्लीट हो गया था, मोटर लग गई थी, असेंबली चेंज हो गई थी। जो मोटर की पाइप होती है ना वो यहाँ से निकल के आगे लेके जानी थी, अभी वो काम हो रहा है। और इसके साथ साथ ना वायरिंग का थोड़ा बाकी था, बस वो हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे सारी सीटें इंस्टॉल हो चुकी है। यार जेन्युइनली बता रही हूँ, मतलब मुझे इसके टॉप वेरिएंट से भी ज्यादा बेटर लग रहा है इसका इंटीरियर, बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा वेट करो, आपको भी दिखाएंगे। यार अब वाइपर तो चालू हो जाता है, जो मेन गेम रहता है वो है वॉशर का। अब उसके लिए क्या होता है, अगर आप देखोगे ना तो कंपनी से आपको कुछ इस तरह की मोटर मिलती है जिसमें आपको सिर्फ एक ही पाइप का कनेक्शन मिलता है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आगे वाले वाइपर में वॉशर चलेगा। अब हमें अगर आगे और पीछे दोनों वॉशर चलाना है तो हमें यहाँ पे दो कनेक्शन भी चाहिए। तो देख सकते हो ये पूरी की पूरी मोटर ही चेंज होती है, जिससे पीछे वाले वाइपर को भी पानी मिल जाएगा और आगे वाले को तो मिलता ही मिलता है। और ये देख सकते हो ये भी Hyundai Genuine ही है। ये यहाँ पे आपको बॉटल से दिख रही है, इसमें देखो ऐसे यहाँ पे पंप इंस्टॉल हो जाता है। तो बेसिकली ये जो वॉशर फ्लूड है जो आप फिल करोगे ना ये दोनों में जाएगा, आगे वाले वाइपर के लिए भी और पीछे वाले वाइपर के लिए भी। ये जो पाइप आपको पीछे दिखाई थी ये देख सकते हो पीछे से आगे आ गई है। देख सकते हो दोनों साइड ही ये पाइप फिट होगी, ये तो कंपनी वाली है यानी कि आगे वाली है, और ये जो हमने पीछे से पाइप निकाल के आगे लाई है वो वाली पाइप है यानी कि पीछे वाले वॉशर की। निक्कू भैया के फोन पे ना सब्सक्राइबर का फोन आया है, तो बड़ा प्यारा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? विहान जैन। कौन सी क्लास में आप? बड़ा स्वीट है यार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपनी गाड़ी में जो स्टीयरिंग इंस्टॉल होना है वो आ गया है, और अभी इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। और वो देखो अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना उससे सारी फिटिंग्स वगैरह खुल रही है, क्योंकि वो सारी फिटिंग्स इसमें इंस्टॉल होगी। तो ये आ गया अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग। हमने ना ये वाला पार्ट पियानो में रखा है और बाकी ना ये लाइट कलर की लेदर में रैप करवाया, और बहुत प्रीमियम लग रहा है। एक बार इसका जितना भी फिटिंग वाला सामान है सारा लग जाए उसके बाद दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये पियानो ब्लैक वाली फ्रेम भी फिट हो गई है, तो कुछ कुछ जगहों पर पियानो ब्लैक है यहाँ पे एक्सेंस, तो सेम मैच कर रहा है इसलिए बढ़िया लगेगा ये भी लगा हुआ। और यहाँ पे अगर आप AC वेंट देखोगे तो ये भी हमने पेंट करवाने के लिए भेजा था, क्योंकि बेस वेरिएंट में मैट कलर में आता है, हमें ग्लॉसी में चाहिए था टॉप जैसा, तो ये भी हो गया। तो चारों के चारों गत्ते यहाँ पे पैक हो चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स इंस्टॉल हो गए। एक बार फिनिशिंग देखो कितनी ज्यादा प्यारी आई है, देख के बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि आफ्टर मार्केट काम हुआ है। और हाँ अभी आपको ये थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, मिट्टी भी लग रखी है और ये हमारे सर पे बहुत सारे पक्षी हैं तो ये उनका भी कुछ काम है, तो ये पूरा सब क्लीन हो जाएगा उसके बाद भी आपको एक बार दिखाऊंगी। बट जेन्युइनली यार फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आई है, देख के कहीं से पता नहीं लग रहा है कि बाहर से काम हुआ है। यहाँ पे ना स्टीयरिंग इंस्टॉल हो गया है, इसके जितने भी पार्ट्स थे क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। इसमें एडास का कंट्रोल हमारे कोई भी काम का नहीं है, अब सिर्फ सेंटर में एक एयरबैग इंस्टॉल होना बाकी है। बाकी बहुत प्यारा लग रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ भी बहुत सूट कर रहा है और प्रीमियम भी लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ ये अपर वाला एक पार्ट बाकी था जो अभी लग रहा है। तो जी यहाँ पे स्टीयरिंग भी पूरा फिट हो चुका है, भाई क्या लुक आई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। और जनरली आपको पता ही है ये ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत सुंदर लगता है, उसके ऊपर से ये पियानो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा ग्रेस ऐड कर रहा है। और हमने ना सिर्फ स्टीयरिंग ही चेंज कराया है, एयरबैग हमारी वाली गाड़ी का ही लगेगा, हमने एयरबैग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये यहाँ पे ना ट्विटर सैश भी आ गई है, देख सकते हो। अब क्या है यहाँ पे ना डूडल आता था ORVM एडजस्ट करने के लिए बेस वेरिएंट में, अब क्योंकि यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स इस जगह पे प्लेस हो गए हैं तो इसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ते हैं, तो इसको हटा दिया है। और जो ट्विटर है वो यहाँ पे है, और बाकी ये जो ट्विटर सैश है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी और ये एरिया कवर हो जाएगा। अभी मेरे से गिर गया तो थोड़ा सा गंदा हो गया। तो ये देखो भाई ट्विटर सैश भी इंस्टॉल हो गया, और सही है ना, मतलब अदरवाइज वो एरिया ऐसे ही खाली रखना पड़ता तो ये भी लग ही गया है। यार वैसे स्टीयरिंग तो अच्छा लग रहा है, बट ये जो सेंटर में आप हॉर्न पैड देख रहे हो ना ये थोड़ा कम ही जा रहा है इसकी वाइप के साथ में, तो मैं सोच रही हूँ इसको ब्लैक करा लूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी ना अपनी गाड़ी की वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों ही चीज़ें काम करने लग गई है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे जो गत्ता वगैरह है सब कुछ पैक हो चुका है वापस। एक बार वाइपर ऑन करना, ये देख सकते हो प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ऑटो कट के साथ में, ये नहीं है कि वाइपर चलते चलते अगर यहाँ पे स्टॉप हुआ तो यहीं पे रुक जाएगा, अपनी जगह पे आके रुकता है। और ये पीछे देख सकते हो रीडिंग लाइट भी लग गई है, अब अपने कैबिन में ना गाड़ी के रोशनी रोशनी मिलेगी आपको। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम लाइट की भी फिटिंग होगी, ये ब्लू लाइट में इल्यूमिनेट होता है, अच्छा लग रहा है और ये कंपनी की है। तो आज है नेक्स्ट डे यार, अपनी गाड़ी में ना साइड स्किड प्लेट नहीं आती है बेस वेरियंट में, तो मुझे स्किड प्लेट इंस्टॉल करवानी थी। तो ये देख सकते हो ये भी हुंडई जेन्युइन है स्किड प्लेट है जो भी इंस्टॉल होनी है। तो यहाँ पे ना हम लोग क्रोम डोर हैंडल्स इंस्टॉल करवा रहे हैं जो टॉप वेरियंट में आता है। वैसे तो यहाँ पे बॉडी कलर दिया जा रहा है, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बट अब इसको टॉप बनवा रहे हैं तो फिर टॉप वाला ही डलवाएंगे। और ये ऐसे नहीं है कि वो चिपकने वाला क्रोम है, पूरा पूरा हैंडल है जो चेंज होता है। तो ये जो साइड वाली स्किड प्लेट बेस वेरिएंट में आती है वो ये वाली है, देख सकते हो ये हमने बाहर निकाल दिया। और जो इंस्टॉल होना है वो टू पार्ट्स में आता है, एक तो ये प्लास्टिक आता है मैट ब्लैक कलर में, और उसके ऊपर ये जो आपने फ्रंट में भी देखा होगा ये मैट सिल्वर सा कलर जो आता है, ग्रे एक्चुअली ग्रे सा कलर जो आता है, सेम वैसा ही कलर यहाँ पे भी साइड में लगता है। पूरा का पूरा पार्ट ना एक मतलब कंबाइन में वन हो जाएगा, इसके ऊपर प्रॉपर फिट हो रहा है, नट से ये पूरा फिट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ नीचे लगेगा। ये देख सकते हो नीचे से यहाँ से पूरा निकाल दिया, यहाँ पे वो पूरा का पूरा जो ग्रे कलर वाला पार्ट है यहाँ फिट हो जाएगा। ये देखो भाई अब ये साइड से ना पूरा ही टॉप मॉडल बन चुका है, क्योंकि ये देखो यही एक चीज है जो बेस वेरिएंट में नहीं आ रही है, बाकी डोर हैंडल्स तो हमने इंस्टॉल ही करवा दिए हैं, और ये जो ग्रे कलर वाली स्किड प्लेट है साइड में ये भी इंस्टॉल हो रही है। और हाँ लास्टली अलॉयज भी चेंज हो जाएंगे, टेंशन मतलब वो सबसे लास्ट का काम होता है। आप देख सकते हो यहाँ से ना साइड स्किड प्लेट तो लग चुकी है, दोनों साइड लग गई है और कंप्लीट हो चुकी है, एकदम टॉप मॉडल वाला लुक आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रूफ रेल इंस्टॉल होनी है, इसलिए जो बिडिंग है ना वो हटा दिए। यार ये जो अपनी गाड़ी की बिडिंग है ना इस पे रूफ रेल पेस्ट होगी और उसके बाद इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये नट टू नट इंस्टॉल होता है इसलिए पहले ये इस पे पेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी के रूफ रेल्स रेडी हो चुके हैं, अब ना बस ये इंस्टॉल होंगे। तो अब रूफ रेल्स तो दोनों साइड की इंस्टॉल हो गई है, अब यहाँ पे ना डोर वाइजर्स इंस्टॉल होने बाकी हैं। ये भी अगर आप देखोगे तो ये हुंडई जेन्युइन ही है और ना बहुत प्यारे लगते हैं और उसके ऊपर से यूजफुल भी रहते हैं कि अगर रेन वगैरह आती है तो अगर आप हल्की सी विंडो भी खोल लेते हो ना तो पानी एंटर नहीं होता और अंदर ह्यूमिडिटी भी क्रिएट नहीं होती। और ये तो मैंने आपको दिखाया भी था, ये मैंने खुद ही परचेज किए थे जब मैं एसेसरीज परचेज कर रही थी डिलीवरी के टाइम पे, तीन चार चीज़ों में से एक ये भी था। बट इस चीज़ का रिग्रेट है कि यार मुझे ना जो MRP है उसी पे मिले हैं, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। बट अगर आप निको भैया से परचेज करते हो तो उस पर एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल जाता है, पर चलो अब तो खरीद लिया, क्या ही कर सकते हैं। अब जो हुंडई जेन्युइन डोर वाइजर्स होते हैं ना उस पर ऐसा पैटर्न मिलेगा आपको, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत स्टर्डी होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो डोर वाइजर्स इंस्टॉल हो गए हैं, ऑल ब्लैक में, और इसके ऊपर कुछ हनीकॉम सा पैटर्न आता है और सही है यार, अच्छे लग रहे हैं। तो यार आपको याद होगा यहाँ से हमने ना लास्ट में हॉर्न पैड निकाल लिया था, क्योंकि ये ग्रे कलर में आता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इसको ब्लैक पेंट करवाया है, देख सकते हो बहुत सही लग रहा है। बाकी एक बार इंस्टॉल होकर देखते हैं कि ब्लैक कलर सूट कर रहा भी है या नहीं। अब मज़ा आ रहा है स्टेयरिंग देख के, पहले से बहुत बेटर लग रहा है, क्योंकि वो जो ग्रे कलर था ना वो आउट ऑफ वाइब जा रहा था, बट अभी बहुत प्यारा लग रहा है ब्लैक होने के बाद। यार अब अपनों ने बेस वेरिएंट लिया है ना तो कुछ डीमेरिट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, जैसे आप ये देख सकते हो एंटीना कितना गंदा लगता है, मतलब सेल्टोस में तो बेस वेरियंट से ही आ रहा है शार्क फिन, बट अब इसको चेंज तो करना ही है। तो यहाँ पे हमारे पास है हुंडई का जेन्युइन शार्क फिन एंटीना, आप देख सकते हो, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिपक जाएगा, ये प्रॉपर वायरिंग के साथ में इंस्टॉल होता है। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको कपलर भी नजर आ रहा होगा, ये प्रॉपर वायरिंग होती है इसकी, उसके बाद इंस्टॉल होगा, और चिपकने वाला भी नहीं है, ये प्रॉपर बोल्ट से ही फिट होता है। यार अब इतना काम हमने कराया ना तो अब अपनी गाड़ी को जितना हम टॉप बना सकते हैं ना पूरा ही टॉप बनाएंगे। तो वैसे तो अपनी गाड़ी में सोनी ES का म्यूजिक सिस्टम लगा है जो बहुत ही अमेजिंग साउंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो टॉप मॉडल में एक छोटा सा स्पीकर आता है, अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट से इन्होंने एटलीस्ट जाली दी गई है, महिंद्रा वाले टाइम हम लोगों ने 9000 खर्च करके वो जाली खरीदी थी, तो ठीक है यहाँ पे दी है कंपनी ने, अच्छी बात है। बट यहाँ पे हम लोग 4 इंच का स्पीकर लगवाने वाले हैं, नॉर्मल जो स्पीकर है ये 6 इंच के आते हैं, यहाँ पे एक 4 इंच का स्पीकर लगता है जो कि टॉप मॉडल में आता है, बट यहाँ पे सिर्फ अभी जाली है। तो यहाँ पे हम लोग JBL का एड लगवा रहे हैं, यार इसमें ना बहुत सारे ब्रांड्स में आता है 4 इंच का स्पीकर, लेकिन हम लोग अभी JBL का इंस्टॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये JBL का स्पीकर निकला है, छोटा सा है, देखने में काफी प्रीमियम है, बड़ा क्यूट सा है, और इसमें एक नहीं दो आते हैं, तो भाई हम तो अपनी गाड़ी में एक ही लगाएंगे, एक ही हमारे काम का है, दूसरा निक्कू भैया को बोल देंगे वो अपनी गाड़ी में लगा लेंगे। यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड देखोगे ना तो इसके ऊपर ये जो जाली हटाई जा रही है भी प्रॉपर टूल से हटाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि पेचकस लगाया और खोल लिया। तो यहाँ से जाली हमने हटा दिया, अंदर से देख सकते हो बिल्कुल खोखला है, आपको यहाँ पे तारे नजर आ रही होगी। यार हम तो इसको टॉप मॉडल बनाने चले थे बट हुंडई वालों ने हमारे साथ मोए मोए कर दिया, क्योंकि ये देखो ये जाली नहीं है, सिर्फ एक कवर अप था, तो इससे आवाज आर पार नहीं आ सकती है, ये बेसिकली बस डैशबोर्ड पे रखने के लिए और कुछ भी नहीं है। इससे तो महिंद्रा वाले ठीक थे यार, कम से कम हमारे पास ऑप्शन तो था, यहाँ पे जाली है भी और नहीं भी है, कोई फायदा नहीं हुआ। महिंद्रा वाले ठीक नहीं थे, तो महिंद्रा वाले के जाली लेंगे 9200 खर्चा करना पड़ा। हाँ ये तो इसको भी खर्चा करेंगे तो ये भी आ जाएगा।
महिंद्रा वाले का तो 92-92 रुपए का था, इसका तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए का आएगा, बट उस पे सोनी की ब्रांडिंग थी, बस वो उसी के तो पैसे ले रहे थे। इसका जाली ज्यादा है, जैसे टॉप मॉडल रहता है 500 रुपए, हाईएस्ट 500 रुपए का आएगा जाली। फिर तो सही है यार, 500 रुपए तो बंदा खर्च ही सकता है, फिर अंदर स्पीकर भी डलवा लेंगे। अच्छा ये जाली मिल जाएगी अपनी गाड़ी के लिए? मिल जाएगा, लेकिन 2-4 दिन टाइम लगेगा क्योंकि ऑर्डर करना पड़ेगा पार्ट के। चलो ठीक है फिर मंगवाई लो यार, वापस लगवानी पड़ रही है मोए मोए। और यार बूट मैट में भी ना दो ऑप्शंस है, एक तो हुंडई का जेन्युइन है और दूसरा ये GFX का है। GFX का कौन सा लगवाएं? जो आपकी मर्जी, ऐसे हुंडई का लगा लीजिए क्योंकि बेस्ट टू टॉप बनना, तो हुंडई का प्रोडक्ट ज्यादा लग रहा है, तो हुंडई का ही अच्छा लगेगा। जेन्युइन लगवा तो लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है? हुंडई का थोड़ा कॉस्टली है, और जैसे आप GFX का ले तो 1450 रुपए का मिल जाता है, और इसका 25% डिस्काउंट है जो मैं बता ही रखा हूं, जिसकी जितनी MRP है। ये जैसे 1450 का बताया तो डिस्काउंट करने के बाद ना ये 1550 का पड़ेगा, 100 रुपए महंगे में आपको हुंडई का जेन्युइन मिल रहा है, तो चॉइस आपकी, आप जो मर्जी लगवा सकते हो। अभी डिस्काउंट 28% करने के बाद 100 रुपए महंगा है, जो चैनल सब्सक्राइब करके आएगा उसके लिए 28% है। आज स्पेशल हमारी गाड़ी में निकू भैया ये काम खुद कर रहे हैं, बूट मेल्ट लगा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव काम सिर्फ हमारी गाड़ी में हो रहा है, ये और किसी की गाड़ी में नहीं करेंगे। बाकी देख लो यार, आप पकड़ के ले जाना, तुम्हें वेले मिले और काम ना करवाए तो इन्हीं को ही ले जाना कि लगाओ, तुम ही लगाओ हमारी गाड़ी में। अब अगर आप इसमें लगेज रखते हो तो जो मिट्टी साथ में आती है, वो नीचे वाला कंबल जो होता है, जो क्लोथ होता है, उसको गंदा बिल्कुल नहीं करेगी। और एक क्रेटा 2024 का, यानी कि पुराने वाले क्रेटा का हम डाल रहे हैं। हाँ जी, GFX वाले मैट में ये ऑप्शन नहीं था। अब इसको क्या क्या इसके साथ भी उठा सकते हैं, तो ये मैट हटानी नहीं पड़ेगी, अगर नीचे वाला मतलब टूल्स निकालने हैं और ये हटाना है कवर, तो मैट नहीं हटाना पड़ेगा, वो साथ में ही निकल जाता है। ये क्या करके बैठे हो? ये हुंडई का 2024 का एक्सेसरीज है। अच्छा, इस नए वाले मॉडल का, ये नहीं कि आप समझोगे पुराने वाले मॉडल के लेके बैठा हुआ, जितने भी नए वाले मॉडल का है, जैसे बम्पर किट है वो है सारा, अभी रख के दिखा दूं कहाँ कहाँ लगता है, क्या लुक गाड़ी का आता है। ये स्किड प्लेट एक्सटेंडर है और इसमें 3 पीसेस की एसेसरी आती है, पहली तो ये जो आप देख सकते हो, जो मुझे लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी के साथ साथ ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये भी इसमें इंक्लूडेड आता है, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मतलब वाइप के साथ मैच नहीं हो रहा, ना इंटीरियर में ना एक्सटीरियर में कहीं भी और रेड एक्सटेंड नहीं है, बट पर्सनली मुझे सिर्फ वही एसेसरी अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी नहीं लग रही है। ये एक्सटेंडर देख सकते तो इंस्टॉल हो गया और अच्छा लग रहा है क्योंकि गाड़ी ब्लैक है ना और ये नीचे ग्रे है, तो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। बस ये जो लाल पट्टी है ना, ये मैं नहीं लगवा रही आपकी गाड़ी के लिए, आप अपनी गाड़ी पे लगाओ। ठीक है, मैं तो लगाऊंगा ये, क्योंकि हुंडई जेन्युइन पार्टनर है तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। चलो बढ़िया है, लगाओ। ये देखो यहाँ ये एक्सेसरीज इंस्टॉल हो गई है और बढ़िया लग रही है यार देखने में। ये विंडो गार्निश क्रोम है, जिनका चॉइस है कोई भी कलर की गाड़ी हो, ब्लैक हो व्हाइट हो, तो यहाँ पे लग जाता है, वो भी ओरिजिनल हुंडई का आता है, बट ये मुझे नहीं लगवाना, ओवर क्रोम नहीं चाहिए, बस इतना क्रोम बहुत है मेरे लिए। ठीक है फिर। और एक ये एसेसरी भी आती है, बट मुझे ये भी इंस्टॉल नहीं करानी, जितना है सफिशियंट है। तो यहाँ पे ना ये बम्पर प्रोटेक्टर भी आता है, ये भी हुंडई का जेन्युइन है, और ये चीज़ें तो ऐसी है जो टॉप मॉडल में भी नहीं आती, टॉप मॉडल में भी लगवाना है आपको तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करके लगवाना पड़ेगा। ये वाली जो एसेसरी आप देख सकते हो, अगर लगवाना चाहो तो ये कुछ ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट गाड़ी पे शायद थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, ब्लैक में तो ये पूरा मर्ज ही हो गया इसके कलर में, मैं नहीं लगवा रही हूँ पर्सनली। मुझे ना जेन्युइनली एक चीज से सख्त नफरत है, वो है ये भाई, ये चीज़ ना बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। अब नहीं ख़त्म की, कंपनी ने दे दी है तो इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि टर्न इंडिकेटर अब हमारा यहाँ पे ORVM पे आ गया, तो इसका वैसे भी कोई काम नहीं है और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसको यहाँ से निकलवा के इसका कोई कवर अप सोल्यूशन है। बहुत सारे आते हैं, ये रेंज रोवर वाले आते हैं, और भी कौन कौन से डिज़ाइन है सारे एक बार लगा के का आता है। इसको हटके इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक आ जाएगा आपको इस तरीके के रेंज रोवर वाले में। हाँ, ठीक है, इस तरीके लग जाएगा। इसके बाद आपको ये जो है, इसके अलावा आपको ये ऑप्शन है, इसके अलावा एक दो ऑप्शन और है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अगर आपके पास टाइम है तो फेंडर पूरा चेंज करवाना होगा कलर, लेकिन कच्चा पेंट आता है, कलर कंपनी से पेंट नहीं आता, वो पेंट करवाना पड़ेगा बाद में। वो तो होता ही है कि जब आप पार्ट्स खरीदने जाते हो, कच्चा पेंट आता है, आपको पेंट करवाना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता होगा इसके कंपैरिजन में। तो नहीं, सस्ता ही आता, लेकिन बहुत कस्टम का नीड होता है, कंपनी जैसा पेंट होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, इसके कारण बहुत कम करवाते हैं। ठीक है, मतलब छोटा सा कवर अप है, निकाल के कवर अप करवा लेते हैं, क्या और करें यार। ये देखो, ये ना निकालना इतना ज्यादा इजी है, कोई भी इसको निकाल के बहुत ही इजीली ले जा सकता है यार। वैसे तो सच बताऊं, इसका कोई फ्री में भी क्या ही करेगा, इतना बेकार है, बट स्टिल किसी की खड़ी गाड़ी में ना वीडियो देख के निकाल के ऐसे पंगे मत करना, सिर्फ मजे लेने के लिए। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी सारी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ 5 चीजें बाकी है। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो हेडलाइट्स, रियर एल, ग्रिल, ये 3 चीज बाकी है। साइड से अगर आप देखोगे तो अलॉयज बाकी है, और लास्टली रियर से देखोगे तो रियर में जो टेल लैंप्स चेंज होने हैं, ये 5 चीजें कंप्लीट है जो अभी बाकी रह गई है। और अब आप सोच रहे होगे कि आपने हेडलैम्प्स तो कहा था आ गए हैं, तो हेडलैम्प्स हम लोगों को नहीं पता था, वो एक साइड के ही दोनों आ गए थे, कोई बात नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे। बाकी कब तक कर दोगे ये सारा काम? देखो, हमने ऑर्डर तो लगा रखा है, जिस दिन गाड़ी निकला नहीं था उस दिन ही हमने ऑर्डर लगा दिया था। आप कोई नई गाड़ी आया, क्या क्या चेंज किया, सब कुछ, जैसे 4-5 चीजें, तो उन्होंने ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे मुझे एक आइडिया से मुझे लग रहा है 2-3 दिन में आ जाएगा हमारे पास सारा।
तो ठीक है, वैसे तो अपनी गाड़ी सारी कंप्लीट हो गई है, यही बेसिक बेसिक चीज बाकी है, और बस आते ही आपको पता आएगा भी तो ये नहीं कि एक ही गाड़ी का पीस आएगा, एक ही के लिए मंगवाना, कम से कम अगर सामान आता भी है तो कम से कम 20-30 गाड़ी का आएगा ही आएगा। हाँ। और सबसे पहले हमारे पास ही आएगा, मैं इसी गाड़ी में लगा के प्रॉपर सारा चीज दिखाऊंगा भी, बिल्कुल कि बिल्कुल बेस्ट टू टॉप किसको कहते हैं। तो बस आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना, और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करना, निकू कपलर को भूलना मत अगर पूरा देखना है तो।